Yes, student, I am taking question number 8. It's बहुत simple question है, 8th, 9th और 10th, ये समय करूँगा. बाकी जो आप जो homework करेंगे, y is equal to 10 inverse x. अब बेटे ये 10 inverse x है, तो y का डेरिवेटिव y1, 10 उसका है, बच्चों को मालूम है 1 over 1 plus है. ध्यान से सुनना, एंगल का स्क्वेयर करूँगा, यहाँ x साथ x का स्क्वेयर हो गया. फिर मुझे डायरेक्ट लिखना एंगल का, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 over 1 plus x square. पहले राइट करते हैं, इसके डबल डेरिवेटिव में क्वेश्चन रूल लगाते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, नो एनी टेंशन. अदरवाइज इसको ऊपर लेके जाएंगे, माइनस वन पावर आएगी, फिर पावर का, फिर अंदर का. तो मैंने एक रिजल्ट में पहले डिस्कस किया था, डायरेक्ट अप्लाई करूँगा. वन बाई एफ एक्स का जब भी कहीं डेरीवेटिव लेना है, माइनस वन अपॉन डिनोमीटर का स्क्वेयर, फिर साइड में डेरीवेटिव डिनोमीटर का राइट करो. ये मैं यूज़ करूँगा इसमें. तो देन वाई वन का डेरीवेटिव वाई टू, माइनस वन राइट करूँगा, डिनोमीटर का स्क्वेयर राइट कर दो बेटे यहाँ. अब सेंटर में डेरिवेटिव राइट कर दो डिनोमीटर का साइड में, दो रिजल्ट के अकॉर्डिंग. तो वन का जीरो, एक्स स्क्वेयर का टू एक्स बनता है, टू एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई, माइनस का टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर. दैट इज क्वेश्चन नंबर दिस 8th. टेंथ भी मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10th. इसी के अंदर वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, सिंपल है क्वेश्चन, देख लीजिएगा. तो वाई का डेरिवेटिव वाई वन, पहले साइन का लिखो बेटे, कॉस लॉग एक्स, फिर एंगल है लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स है. अब चाहूँ तो इसमें राइट साइड में दोबारा डेरिवेटिव करने के लिए मुझे क्वोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, और अवॉइड करो इस एक्स को ना बेटे, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया करो. ऐसे क्वेश्चनों में एक्स इंटू वाई वन आएगा और कॉस लॉग एक्स, अब इसका डेरिवेटिव ले दीजिएगा सेकेंड. अब यहाँ लेफ्ट साइड में वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस वाई वन एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव लिखो बेटे, माइनस का साइन लॉग एक्स, फिर एंगल का लिखना है वन बाई एक्स. अब एक्स को मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और देखना क्या ये माइनस साइन लॉग एक्स वाई के इक्वल नहीं है, इज इक्वल टू माइनस वाई. इसको इधर शिफ्ट कर दोगे प्लस वाई आएगा, दैट विल बी समथिंग बट योर जीरो, मेरा आंसर है. अब आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो द सेम वीडियो. 11, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x. अब डबल डेरिवेटिव लो बेटे, पहले y का y1, 5 बाहर आएगा कांस्टेंट, cos का माइनस का sin x, माइनस 3 sin का cos x. एक बार फिर डेरिवेटिव ले दीजिएगा, माइनस 5 कांस्टेंट है, sin का cos x आएगा, माइनस 3 cos का एक बच्चे को बताया, माइनस का sin x. तो y2 क्या बन जाता है यहाँ, माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन एक्स. आई विल टेक समथिंग कॉमन ऑन द राइट हैंड साइड, माइनस वाई, माइनस आई विल टेक कॉमन ओनली. तो क्या बचेगा क्वांटिटी, ये कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, देखना क्या ये वाई नहीं है मेरा. तो वी गेट माई आंसर वाई टू इज इक्वल टू माइनस वाई. दैट्स माई क्वेश्चन नंबर 11 आंसर. ओके स्टूडेंट.